नमस्ते, मैं फ्री रेसिपीज़ के इस वीडियो में बैंगन भरता बनाने की विधि दिखा रहा है। 2 से 3 लोगों के लिए बैंगन भरता बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: हरे टमाटर 3 से 4, भंटा या गोल बैंगन 2 से 3, हरी मिर्च 3 से 4, लहसुन की कलियां 10, नमक स्वाद अनुसार, अदरक 1 छोटा टुकड़ा, लाल मिर्च 2 से 3, सरसों तेल आवश्यकता अनुसार या 1 टीस्पून। सबसे पहले बैंगन को धोकर बीच से चीरा लगा लेंगे। बैंगन के बीच में लहसुन की कलियों को भरकर बर्गर की तरह पैक कर देंगे। बैंगन भरता में लहसुन डालने से इसका स्वाद और भी उम्दा हो जाता है। अब बैंगन को जाली पर रखकर थोड़ी देर आग में भून लेंगे। ऐसा करने से इसमें धुआंधार सुगंध आ जाता है। बैंगन और टमाटर दोनों को स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए आग में भूनना जरूरी है। अब भुने हुए बैंगन टमाटर को एक तवा गर्म करके उस पर रख देंगे। भुने बैंगन और टमाटर को तवे पर शिफ्ट करने के बाद उसे किसी बर्तन या बड़े सॉस पैन में ढककर 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 10 मिनट के बाद कवर हटाकर चेक कर लेंगे। बैंगन टमाटर को पलट कर हर तरफ से अच्छी तरह से तवे पर भून लेंगे। अच्छे से पक जाने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। भुने हुए बैंगन टमाटर को प्लेट या किसी बर्तन में निकालकर ठंडा होने देंगे। इसी बीच गरम तवे पर लाल मिर्च को भी पलट पलट कर भून लेंगे। भुने हुए बैंगन टमाटर को ठंडा होने के बाद छीलकर जले हुए भाग को अलग हटा देंगे। अब भुने हुए बैंगन टमाटर को मैश करके एक बाउल में हरी मिर्च काट कर डाल देंगे। अदरक के छोटे टुकड़े को क्रश करके बाउल में डाल देंगे। भुनी हुई लाल मिर्च को भी क्रश करके बाउल में डाल देंगे। अब सभी सामग्री को अच्छी तरह से मैश करके मिला देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, और 1 टीस्पून सरसों तेल मिक्स कर देंगे। अब ये पारंपरिक तरीके से बना स्वादिष्ट बैंगन का भरता तैयार है। इसे रोटी, पराठे या चावल के साथ सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।